मेल का नाम अगर लैला रखते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ या तो ऐसी चीज़ें होंगी या कुछ और चीज़ें होंगी। पहले डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है, उसके बाद आप इंजॉय करने लगे वो बस दूसरी बात है। और जिस तरह के डांस करते हैं, एक्शन करते हैं, वो मतलब बहुत रेयर होता है। हाँ, जब डिजाइनिंग डिजाइनिंग शुरू हुई तब थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा, क्योंकि वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन द बॉलीवुड टॉक शो ऑन IWM बज। दिस इज योर होस्ट शुभजीत, एंड जेनुइनली बता रहा हूँ मैं आप सबको, आज लिटरली आई एम फीलिंग गूज़बम्स। यू कैन सी इट राइट ओवर हियर, बिकॉज मेरे साथ यहाँ पे एक्टर मौजूद नहीं है। आई हैव विद मी एन एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। सबसे पहले बाउ डाउन टू योर जर्नी, टू द काइंड ऑफ करियर यू हैव हैड सो फार। इट्स माई फर्स्ट इंटरेक्शन विथ यू, थोड़ा शायद इंटीमिडेटेड फील करूँ मैं आपके साथ बात करते हुए, बट इट्स अ जेन्युइन प्लेजर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हीरोइन टू सर, हीरोपंती टू रैदर। देखिए नर्वसनेस आ रहा है बाहर, बट सबसे पहले सर मुझे बताइए, मैंने जब ट्रेलर देखा लैला का जो कैरेक्टर है, मुझे फन लविंग भी लगा, थोड़ा किक वाला वाइब भी मुझे आया जैसा मैंने हम लोग ने देखा था। एंड कैरेक्टर सो सर जो भी आप करते हो एकदम 100 out of 100 होता ही है, तो वो जब आप निभा रहे थे इस कैरेक्टर को सर, तो वो किक वाला वाइब कुछ आपको याद आ रहा था, उससे कुछ आपने कुछ कैरी फॉरवर्ड किया क्या? चूँकि विलन का रोल कर रहा हूँ, ऑफकोर्स ये लगेगा भाई, क्योंकि उसमें बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर था किक में, तो ये भी तो ऐसा लगा होगा कि किक जैसा। हालांकि इसके एनवांसेस काफ़ी अलग हैं इन द सेंस की, देखिए कमर्शियल फिल्म में क्या होता है कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट एक परफॉर्मेंस करनी होती है। अब मैं इसमें अगर एक्टिंग के डिटेल्स करूँगा या मेथड एक्टिंग यूज़ करूँगा तो मैं बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी लगूँगा फिर, है ना? तो इसलिए जैसे नाम से पता चल रहा है लैला नाम है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, क्योंकि एक मेल का नाम अगर लैला रखते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ या तो ऐसी चीज़ें होंगी या कुछ और चीज़ें होंगी। तो हमने डिज़ाइन किया कि भाई डिसाइड किया कि अकॉर्डिंग टू नेम इसका थोड़ा सा एक फेमिनिन टच भी रखेंगे, और द सेम टाइम मैजिशियन है ये, तो मैजिशियंस की कुछ हैबिट होती हैं उस तरह का भी है जी। तो और एक लाफ है जो किक की याद दिलाता होगा डेफिनेटली, तो वो है उसकी वजह से लग रहा होगा कि ऐसा है। बट ओवरऑल बहुत सारे कलर भी हैं इसमें, फेमिनाइन टच भी है, रूथलेस भी है, मैजिशियन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जैसे लाइक जैसे कमर्शियल फिल्म में तो मास्क के लिए है ये कैरेक्टर। जी 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 बिल्कुल सर, आप जब भी कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हो एवरीबॉडी टॉक्स की नवाज सर इतने डिसिप्लिन से कि वो कैरेक्टर निभाते हैं, सब कुछ जो सही होता है वो सब आपके बारे में बोला जाता है, लेकिन एज एन एक्टर जब आप कोई काम करते हो उसको एंजॉय करना भी सेट पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जब आप कोई भी कैरेक्टर निभाते हो, काम का डिसिप्लिन का पार्ट हटा के आप उसको कितना एंजॉय कर पाते हो, आप उसमें कम्प्लीटली जब घुस जाते हो उसको कितना एंजॉय कर पाते हो? आई थिंक अगर डिसिप्लिन है, पहले डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है, उसके बाद आप इंजॉय करने लगे वो बस दूसरी बात है। ऐसे ही हमने इसके साथ भी किया, पहले बहुत मतलब बहुत ही अनुशासित होके इस कैरेक्टराइजेशन किया जी, और जब सेट पे पहुँचे तो फिर वो मज़ा आने लगा, फिर इंजॉय करने लगा जी। सर टाइगर आपको बहुत मानते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि नवाज सर से मैं ये सीखने को मिलता है, मुझे ये सीखने को मिलता है। टाइगर भी नए ज़माने के अगर आप हीरोज़ के बारे में बात करो तो वो काफ़ी अलग है, एक्शन के बारे में अगर आप बोलो तो उसने एक अलग पहचान अपना छोड़ा है। सो वो तो आपसे काफ़ी कुछ हमेशा बोलती है कि मैं नवाज सर से बहुत सीखता हूँ, लेकिन टाइगर से सीखने लायक हम जैसे नए लोगों के लिए या फिर यू नो यूथ जनरेशन के लिए आप क्या मानते हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है टाइगर से सीखने लायक? डिसिप्लिन, फोकस्ड अपने डांस और एक्शन के लिए, जो फोकस हैं वो बहुत और हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जिस तरह के डांस करते हैं, एक्शन करते हैं, वो मतलब बहुत रेयर होता है जी। आपने तो देखा होगा जी। मैंने भी देखा इनको, तो बहुत ही पैशनेट हैं अपने काम के लिए, ये एक चीज़ कमाल की है उनके अंदर जी। जी सर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, सब लोग कहते हैं आपको, आप शायद अब तक बोर भी हो गए। हम तो बोर हो गए अभी फिलहाल, सर बता रहा हूँ, ये पहले आप हैं जो बोल रहे हैं कि आप बोर हो गए। आपको लेकिन मुझे आपसे पर्सपेक्टिव ये जानना ज़रूरी है, मुंबई जैसे शहर में आपने अपना खुद का घर यहाँ पे बनाया, इट्स ब्यूटिफुल। जब आपने वो चीज़ बनाया तो आपको कुछ रिफ्लेक्शन हुआ इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट्स जो आपने पुराने टाइम के? कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल एकदम, सब कुछ नॉर्मल था यार। कोई मतलब मैं मेरी पर्सनली इमोशनल हो गए थे सर? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पर्सनली देखा जाए तो मैं कोई घर बनाने वाला आदमी हूँ नहीं, है ना? मैं बिना घर के भी रह सकता हूँ मैं जी, क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई है बहुत पहले से, तो मेरा कोई ऐसा नहीं था इमोशनल, कोई वो नहीं था घर बनाने में। हाँ, जब डिज़ाइनिंग डिजाइनिंग शुरू हुई तब थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा, क्योंकि वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है जी। तो भाई यहाँ से ये कर दो, वहाँ से को ये अच्छा लगेगा, एक एस्थेटिक सेंस होती है वो है, जो पढ़ाई की हमने, हम तो एक थी वो
नॉर्मली आ ही जाती थी वो, यू नो, जागृत हो जाती थी वो सेंसेस कि नहीं यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे इस तरह का कलर करेंगे तो अच्छा लगेगा, वो था बस मेरा जो मेन इंटरेस्ट है उसमें। जो मेरे नीचे वाले हॉल में जो पेंटिंग्स लगाई हैं मैंने, उसमें सारी थिएटर की पेंटिंग्स हैं, लाइक जैसे शेक्सपियर, एंटन चेखव, इनके प्लेज की, ओथेलो, मैकबेथ, इसकी पेंटिंग्स हैं, मोलियर के प्ले के कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे मैं एनएसडी में जाता था तो प्ले के पोस्टर्स लगे हुए थे, है ना, मैंने पेंटिंग्स लगाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं अभी भी एनएसडी में ही हूँ टाइप में, इस तरह का फील आता है। क्या बात है। That's a wrap on IWM Buzz. Thank you so much, Nawaz sir, for being with us over here. बहुत मजा आया मुझे सर। हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं IWM Buzz पे।